Hello student, welcome to BDSC online classes. I study class 7 topic line and angle. Students, line and angle के previous video में हम लोगों ने exercise को देखा था, जिसमें exercise 5.1 को हम लोगों ने complete किया था. आज हम इस video में exercise 5.2 से पहले कुछ चीज जान लेते हैं. जैसे सबसे पहले हमारे पास ये तो parallel line है, ये तो हमारी पैरेलल लाइन है ए बी सी एंड डी, ठीक है. और ये पैरेलल लाइन को ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, सपोज हम इसे कर लेते हैं बी एंड पी एंड क्यू, ठीक. ये हमारे पास पी एंड क्यू दो पॉइंट है, क्यू ज्वाइंट ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है. तो इसमें हमें तीन चीजें जानना होगा. पहले करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल सेकेंड हमें जानना होगा अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है. अल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं, एक होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल एंगल और दूसरा होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एंगल ठीक है. थर्ड हमें जानना है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल. पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर आर एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. तो आइए फर्स्ट हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल जान लेते हैं. देखिए ये हमारे पास एंगल बन रहा है, वन टू थ्री एंड फोर, इसी तरह फाइव सिक्स सेवन, ठीक है. करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो हमारा एंगल वन एंगल फाइव जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल वन एंड एंगल फाइव, ठीक है. दूसरा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा फोर एट, एंगल फोर एंगल एट. नेक्स्ट एंगल टू एंगल सिक्स, एंगल टू एंगल सिक्स, और फोर्थ जो होगा एंगल थ्री एंगल सेवन. तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है. एंगल सेवन जिसको हिंदी में कहते हैं संगत कोण. तो ये हमारे वन जो होगा फाइव के लिए, फोर होगा एट के लिए, टू होगा सिक्स के लिए, थ्री होगा सेवन के लिए, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल. अब हम अल्टरनेट एंगल की बात करें तो अल्टरनेट एंगल में क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइन को, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करती है तो हम जेड स्ट्रक्चर बोलते हैं ऐसे. तो ये जेड स्ट्रक्चर हमारा अल्टरनेट एंगल होता है. तो इस तरह से हम देखें तो ये एंगल थ्री जो होगा, एंगल थ्री एंगल फाइव, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा. एंगल थ्री और एंगल फाइव ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है. और दूसरा अगर हम इस तरह से जेड बनाएं तो ये हमारा फोर एंड सिक्स, ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है. अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो जैसे हमने ये जेड बनाया था थ्री एंड फाइव को लिखा था, तो इसके ऊपर टू और इसके नीचे एट, यानी टू और एट, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. सेकेंड हम लोगों ने ऐसे बनाया था फोर एंड सिक्स,
ठीक है, तो 4 के ऊपर 1 है और 6 के नीचे 7 है, 1 एंड 7 ये हमारा अंडर है, एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल में हमारे पास 4 एंड 5 है, ठीक है 4 5 ठीक है, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल में 6 एंड 3 है, 6 3, और इनका सम जो होता है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का सम जो होगा ये दोनों का 180 और ये दोनों का भी सम 180 होगा। नेक्स्ट अगर हम एक्सटीरियर की बात करें, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो 1, ठीक है तो ये हमारे पास पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ही होते हैं। एक्सटीरियर की बात करते हैं तो 1 8 4 एंड 8 1 एंड 8 ठीक है 2 एंड 7 होते हैं, लेकिन इसका कोई फ्यूचर नहीं है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल की से पढ़ेंगे पर ये इसका इंटीरियर एंगल। इस तरह से स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्म जाना, यानी कैसे हम चूज करते हैं कि इस फिगर में यानी दो पैरेलल लाइन है, ए बी और सी बी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए। ट्रांसवर्सल का मतलब था तीन एक रेखा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, कैसे अल्टरनेट एंगल बनता है, और अगर हमारे पास जैसे दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो कैसे लाइन है इंटरसेक्टिंग, जैसे ये है ये, तो ये हमारा दो लाइन है, ये हमारी ए एंड बी है और ये सी एंड डी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये हमारा पर्टिकुलरली अपोजिट एंगल बनाता है। क्या बनाता है? पर्टिकुलरली अपोजिट एंगल, यानी ए ओ सी इक्वल होगा डी ओ बी के एंड ए ओ डी इक्वल होगा बी ओ सी के। इस तरह स्टूडेंट हम लोगों ने जाना कि ये दो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.2 प्रॉब्लम नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 1 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसने ऐसे फिगर बना रखा है, ठीक ये ए लाइन है यहाँ ए है, यहाँ से है, ये बुक में है, ये बुक से लिया गया है एनसीईआरटी बुक 5.2। अब इसमें कह रहा है पहला इसमें दे रखा है इफ, फर्स्ट पॉइंट है इफ ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल क्या है बी एंड
then 1 equal angle 5, angle 1 angle 5 के equal है, तो यह हमारा corresponding property, it is a corresponding property. ठीक है, ये corresponding angle से angle 1 angle 5 के equal होगा, angle 4 angle 7 के, angle 2 angle 6 के, angle 3 angle 8 के equal होगा. second part में यही statement है, लिखना है ये हमारा statement है. यह क्यों equal है वो angle 1 angle 5 के, क्योंकि यह हमारी corresponding property है. next angle 4 equal angle 6, angle 4 equal angle 6, then A parallel to B. ठीक है, तो देखिए angle 4 ये है, angle 6 ये है, तो Z जैसी आकृति बन गई, ये Z बन रहा है ऐसे, तो ये 4 है, ये 6 है, तो ये alternate interior है. कौन सा angle है? It is alternate interior property, angle property, ये इसका स्टेटमेंट है. ये क्यों इक्वल है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से. नेक्स्ट हमारा इफ थर्ड पार्ट, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 ठीक है 5 इक्वल टू 180 डिग्री, देन A parallel to B. तो angle 4 plus angle 5, तो ये interior क्या है? Interior angle है. तो interior angle जो होते हैं वो 180 degree होना है. तो the sum of interior angle property angle property. ठीक है, ये sum of interior angle की property से ये 180 degree होगी. ठीक है, तो angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree, angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree, ऐसा इस figure से gain होगा. ठीक है, find होगा. next question number 2 है हमारे पास, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई इफ पेयर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एंगल. चलिए फिगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर है, इस तरह से ऐसे फिगर बना रहे हैं. ठीक, ये ए है और ये बी है और एक ट्रांसवर्सल लाइन सी है. ये हमारा सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, उसके बाद एंगल 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8. ठीक है, पहला कह रहा था पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, फर्स्ट में हमें बताना है द पेयर ऑफ
corresponding angle. तो pair of corresponding angle पर हम चुनना सकते हैं angle one, angle five, ठीक, angle two, angle six. फिर इधर से लीजिए four eight, angle four, angle eight, and next angle three, angle six. ये pair of क्या है corresponding angle. सेकेंड पार्ट में कह रहा है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो दो इंटीरियर एंगल होंगे इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्री एंड फाइव, टू एंड थ्री, three and five and angle two eight, three and five two and eight. फिर next हमारी problem है कि the pair of interior angle of the same side of the transversal. चलिए third pair of interior angle. Interior angle, angle of the same side of transversal line, transversal line. ठीक है, तो pair of देखिए transversal line के same, तो two and five एक ये pair बनेगा. ठीक है, सेम साइड का इंटीरियर एंगल पर अदर है थ्री एंड थ्री. ठीक, नेक्स्ट फोर्थ में हमारे पास है, फोर्थ में कह रहा है द वर्टिकली अपोजिट एंगल, द वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो वर्टिकली अपोजिट में एंगल वन एंगल थ्री का पेयर होगा, एंगल फोर एंगल टू का पेयर होगा. ठीक, नेक्स्ट होगा एट और सिक्स का और फिर फाइव एंड सेवन का. इस तरह से स्टूडेंट आज के टॉपिक वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन 5.2 का क्वेश्चन नंबर वन एंड टू को सॉल्व किया. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.